Hi guys, welcome back to the channel. You are watching CDR Vlogs. Hi guys, I hope you are safe. आज की वीडियो है हमारी, सॉरी मैं मास्क उतार रहा हूँ, ज़रा वॉइस ऑडिबल है और कोई है नहीं इसलिए मैं मास्क उतार रहा हूँ। तो गाइज आज का वीडियो हमारी है लिक्विड मॉली पे। ये इंजन के लिए बहुत अच्छे अपग्रेड हैं जिससे स्पीड पे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसमें हमारा एक मॉस शूटर आता है एंड इंजन फ्लश एंड 40 शूटर। सो गाइस ये है इंजन फ्लश शूटर, इससे आपके जो इंजन का सारा इंजन ऑयल होता है वो पूरा सारा बाहर आता है और ये इंजन पूरा क्लीन कर देता है। तो जो वेस्ट मेटल होगा आपके इंजन में, जो भी फंसा हुआ होगा, सब कुछ बाहर आ जाएगा। और दूसरा हमारा आता है इंजन ऑयल, ये मोटर जीपी रेसेस में बहुत ज़्यादा होता है और ये जर्मनी की ब्रांड है, आपको कहीं से भी ऑनलाइन मिल जाएगी अमेजोन पे। ये बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अपग्रेड है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ इसको, बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस अपग्रेड आपकी स्कूटर बाइक दोनों के लिए। ये 40 सिंथेटिक ऑयल है। एंड हमारा तीसरा आता है ये 40 एडिटिव शूटर, ये फ्यूल टैंक में जाता है और ये आपका फ्यूल टैंक फ्यूल सिस्टम पूरा क्लीन करता है और आपका जो माइलेज एंड जो इंजन जो बहुत स्मूथ चलता है इससे। एंड चौथा आपका आता है मॉस शूटर, ये आपकी जो इंजन होता है उसको उसका फ्रिक्शन बिल्कुल रिड्यूस करता है, ऑल वाइब्रेशन कोई नहीं आती, बिल्कुल वाइब्रेशन ख़त्म करता है ऑलमोस्ट। एंड ये आप सारे प्रोडक्ट्स आपको अमेजोन करोल बाग में मिल जाएंगे, अगर आप दिल्ली में हो तो करोल बाग में ईजिली मिल जाएंगे, और बाकी वरना तो अमेजोन है या मैं हम लिंक प्रोवाइड कर दूँगा। सो गाइस पहला स्टेप है हमारा इंजन फ्लश, ये अभी हम डालेंगे जहाँ से इंजन ऑयल डलता है। तो पहला स्टेप तो ये है कि इसको खोल के पूरा डालना है जिससे आपका पूरा इंजन फ्लश हो जाएगा और सारा इंजन ऑयल निकल जाएगा। सो गाइस अब हम इसको इंजन जहाँ पर इंजन ऑयल डलता है वहाँ हम इसको पूरा डाल देंगे, इससे आपका पूरा इंजन क्लियर हो जाएगा। सो गाइस ये डालने के बाद आपको इंजन ऑन करके छोड़ना 10 मिनट तक, और कोई थ्रॉटल नहीं देखना, सिर्फ आइडल रन देना इंजन को। सो गाइस अब 10 मिनट हो चुके हैं एंड अब हम सारा इंजन ऑयल ड्रेन कर देंगे। एक नीचे जो कैप होती है इसके, हम वो खोल देंगे अभी और सारा इंजन ऑयल ड्रेन हो जाएगा। सो गाइस अब पूरा इंजन ऑयल ड्रेन हो रहा है, बहुत काला ऑयल था आप देख सकते हैं, और अब अच्छे से जितना भी अंदर गन बंद होगा और पुराना ऑयल होगा सब निकल जाएगा। इसके बाद पूरा फ्रेश ऑयल डालेंगे जिससे इंजन बहुत अच्छा स्मूथ चले। सो गाइस जब भी आप इंजन फ्लश करते हो तब आपको एक छोटा सा एयर ऑयल फिल्टर होता है वो लेना पड़ेगा, और इस जब इंजन जहाँ से इंजन ऑयल निकलता है वहाँ पर लगता है वो इंजन ऑयल का फिल्टर। तो गाइस जब हम इंजन ऑयल डाल रहे हैं, इंजन ऑयल डाल रहे हैं हम, ये इंजन ऑयल लोगे तो आपका फाइनल पैसे मिलता है, तो आपको कोई एक्स्ट्रा फनल लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अब हम इसको इधर डायरेक्ट डाल सकते हैं। तो गाइस ये मॉस शूटर जिससे हमारे इंजन की सारी फ्रिक्शन खत्म होगी और वाइब्रेशन भी बहुत कम कर देता है, तो बहुत स्मूथ रहेगी अभी स्कूटी से भी। वैसे पूरा खाली करना होता है, डायरेक्ट इंजन में डालना है इसको जहाँ से इंजन ऑयल डलता है। ये है 40 एडिट, सो गाइस ये है 40 एडिटिव शूटर एंड ये आपके फ्यूल टैंक में जाता है और इससे आपकी परफॉर्मेंस और फ्यूल सिस्टम पूरा क्लियर हो जाता है। तो जब आपका टैंक फुल हो उसको आप पूरा पलट दो। सो गाइस डालने के बाद हमें इसे 10 मिनट स्कूटी को फिर से आइडलाइज छोड़ना होता है इंजन ऑन कर। सो गाइस जब अभी इसको इंजन जब हमारा आइडलाइज होगा 10 मिनट, उसके बाद मैं आपको रिव्यू दे दूँगी कि कैसा है, क्या परफॉर्मेंस इम्पैक्ट आया और एग्जॉस्ट नोट कैसा आ रहा है, हम आपको दिखाएंगे पूरा।